जैसा कि गैस हमको पता है कि SSC CHSL की वैकेंसी आ चुकी है, LDC में काफ़ी भर्तियाँ आई हुई हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले, तैयारी करने से पहले इसका आप सिलेबस सबसे पहले जानिएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग SSC CHSL 2019 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन बिस कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो दोस्तों देखिए, टायर वन का जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर आधारित होगा, मतलब कंप्यूटर पर देना होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। और जो सेकेंड टायर होगा, मतलब टायर टू जो होगा, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और इसके साथ भी क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो टायर थ्री में होगा। ओके, देन आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं। पूरा हम लोग टाइम डिस्टेंस और क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे सारा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको टायर वन क्रॉस करना पड़ेगा। तो टायर वन में क्या क्या पूछा जाएगा तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देन अब क्या करना है, देखिए टायर वन में क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो टोटल मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, ओके, तो कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि होंगे 50 मार्क्स के। ओके, ये जो पेपर जो रहने वाला है वो 60 मिनट होगा और 80 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्रिपर एज पैरा 8.1 8.2, मतलब आपके लिए 60 मिनट का पेपर होगा। ओके, अगला जो आता है वो है जनरल इंटेलिजेंस, मतलब 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस में क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और जितने भी हो सकेगा मैं सारे वीडियो बना के आपको दूंगा। ओके, अगला जो आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ से आएंगे 25 क्वेश्चन जो कि होंगे 50, और जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। ओके, आप सिलेबस देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं टायर वन के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज से आएगा स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोपोन्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इडियम्स फ्रेजेस आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव आएंगे, वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और नरेशन भी आएगा, और सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट। ओके, और सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, मतलब पैसेज भी आएगा, क्लोज पैसेज आएगा, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी आएगा। जनरल इंटेलिजेंस में मतलब रीजनिंग से क्या क्या आएगा, तो दोस्तों देखिए, रीजनिंग से पहला टॉपिक आएगा एनोलॉजी, अगला है सिम्बॉलिक ऑपरेशन, सिम्बॉलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स और फिगर, मतलब फिगर काउंटिंग वाले जितने भी बनते हैं, और बहुत से ज़्यादा वो टॉपिक हैं जो कि आएंगे, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, बेन डायग्राम हो गया, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फरेंस, मतलब जो वाटर इमेज और मिरर इमेज वाले होते हैं वो सब आएंगे इसमें। ओके, तो इसमें क्या क्या आएंगे, फोल्डिंग वाले आएंगे, मतलब कागज़ को मोड़ना और मतलब पलटना, ये सब, नंबर सीरीज और फिगर सीरीज, ये क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन इंटेलिजेंस, वर्ल्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग से आएंगे, और बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में एक एक वीडियो समझा दूंगा। ओके, अगला आता है नंबर सिस्ट, सॉरी मैथ, मैथ से क्या आएगा, तो नंबर सिस्टम आएगा। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, तो जैसे डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। अगला आता है फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, स्क्वायर रूट्स आप और एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट वाले आएंगे, पार्टनरशिप से आएंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण, और बहुत से क्वेश्चन आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से आएंगे, टाइम एंड वर्क से भी आएंगे। और दोस्तों जो होता है एलजेब्रा, एलजेब्रा से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री से आएंगे, जिसमें आपको जो मिलेंगे ट्रायंगल वगैरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, अगला मेंसुरेशन, तो इसमें काफ़ी सारे बनते हैं, जैसे रेगुलर पॉलीगॉन्स, राइट प्रिज्म, ये सब बन जाते हैं। ओके, जैसे सिलेंडर हो गया, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे शंकु वंकु वगैरह से। अगला था ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो ओके, तो अगला आता है स्टेटिस्टिकल चार्ट्स, मतलब जो DI होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ओके, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो कि 25 नंबर के आएंगे, जिसमें आपको मेन जो होगा, तो इसमें क्या ज्योग्राफी हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी, कल्चर, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, और साइंस से जैसे कि PH वैल्यू से, ये तो दूसरों के लिए। ओके, तो साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।